गाड़ी तो गाड़ी घर तो मिल ही जाएगा, बीवी अच्छी मिल जाए मतलब कुल मिला फोकस बीवी पे आना। मुझे बहुत अच्छे से लगा कि आप मेरा नाम जानकर सनी के पास मैं आऊँ। अगर यही मैं किसी के साथ वीडियो बनाता ना तो उनके वजह से मुझे लोग जानते। मेरे मम्मी का सपना है कि मेरे खुद का गाड़ी हो और अपनी मम्मी को ले जाकर घुमाऊं। अच्छा लगा भैया से मिलकर, बहुत सारी बातें हुई। भाई अपनी आगे बताइए कि लाइफ में आगे का आपने ऐसा क्या एक, एक आपका ड्रीम है जिसके जो आपको मिल जाए तो आप समझेंगे हाँ मैंने सब कुछ। ड्रीम मेरा एक है कि एक अच्छा खासा घर बना लूं जी। पहले घर, उसके एक अच्छी बीवी होनी चाहिए, उसके बाद दो गाड़ी। गाड़ी नहीं, गाड़ी है ना, मैं बता रहा हूँ। अरे जब मैं वीडियो बनाता हूँ रोड पे तो लोग हंसते हैं, नचनिया बोलते हैं, बट उन लोगों को मैं बातों का ध्यान नहीं बोलती, इसलिए तो अभी मैं डांस कर रहा हूँ। बीवी इसलिए होनी चाहिए कि इंसान पैसा कमा अकेला कब तक रहेगा। इंसान पैसा कमा लेगा, एक वफादार बीवी नहीं कमा पाता है। ये तो बात सही है कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। पैसा कितना भी कमा लिए अगर वफादार बीवी नहीं है ना तो लाइफ पार्टनर आपको जब तक ठीक ठाक नहीं है तब तक आप कुछ नहीं, कुछ नहीं कर सकते। और जो आपको समझने वाला हो, पापा को, मम्मी को खुश, पापा तो नहीं है, तो जो आपको समझने वाला हो, मतलब आप इतना काम करते हैं, देखिए इसमें आप कई जगह काम कर, लड़कियों से भी काम करते हैं और बहुत कुछ करते हैं, मतलब आपको एक समझने वाला अच्छा इंसान ये ना समझे ऐसा वो हमको समझे, ये ना कि हमारे पैसे से समझे कि चलो कुछ भी करा मुझे मेरे पास पैसा है ना। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि उनको कुछ से नहीं मतलब होता है, पैसे से मतलब। और एक मेरे मम्मी का सपना है कि मेरे खुद का गाड़ी हो और अपनी मम्मी को ले जाकर घुमाऊं, और वो सपना मैं बहुत जल्द पूरा करूंगा अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, पब्लिक का सपोर्ट रहा तो। अरे भैया बिल्कुल आप बहुत आगे जाएंगे। और अच्छा एक चीज बताइए, जो भी कुछ आप अपने ड्रीम सोच रखी है इसके लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग देखते भी हैं आप बहुत मेहनत करते हैं, स्टेशन पे करते हैं, जगह दूर दूर जाते हैं। अरे जब मैं वीडियो बनाता हूँ रोड पे तो लोग हंसते हैं, नचनिया बोलते हैं, बट उन लोगों को मैं बातों का ध्यान नहीं बोलती, इसलिए तो अभी मैं डांस कर रहा हूँ और 100-150 लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनको नहीं देख रहा हूँ, इसलिए नहीं देख रहा हूँ कि ये मेरा प्रोफेशनल है। अगर एक लेबर जाता है काम करने, अब वो सरमाए कह रहे मैं माटी ढो रहा हूँ तो काम कर पाएगा? कभी नहीं। तो वो उनका प्रोफेशनल है काम लेबर ही करना, तो मेरा प्रोफेशनल है डांस करना, तो मैं इस चीज से शर्माऊंगा नहीं। चाहे कोई भी मेरे सामने खड़ा हो, चाहे मुझे कुछ भी कहे, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ना। अब ये सर्टिफिकेट थोड़ी देकर मैं पैदा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। बेशक यहाँ पे देखते हैं भैया का कहना बहुत अच्छा है कि आप अपने काम से मतलब लोग बहुत कुछ कहते हैं, अच्छा भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं, बुरा ज्यादा कहते हैं, अच्छा कोई नहीं किसी कहता, दिल में सब मुंह पे सब कहेंगे अरे बहुत अच्छे हैं, और पीठ पीछे गाली देंगे अरे हाई हाई हेत्र करोता बहुत तरह करो। ये चीज आप जान समझते हैं। तो सर हम आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग अपना एंड करेंगे कि जो भी लोग मेहनत करते हैं स्टार्टिंग से, देखिए सोशल मीडिया और किसी भी फील्ड में जो लोग वर्क करते हैं उनके लिए मोटिवेशन दिए कि वो लोग 1-2 साल मेहनत कर छोड़ देते हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो, चाहे खेलकूद के क्षेत्र, चाहे अपने सोशल मीडिया में से आप हम लोग हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना, क्या एक मोटिवेशन देना चाहेंगे? मैं आप लोग को बता दूं कि मैं मुझे डांस करते हुए 12 साल हो गए जी, और 12 साल में आज तक मैं कुछ भी अचीव नहीं कर पाया हूँ। बस ये है कि अपना प्रयास है, एक चोटी का कहा सुनने में चोटी चढ़ती है ना तो गिर जाती है, बट मेरा भी प्रयास है, आज नहीं तो कल मैं सक्सेस हूंगा। और कोई काम करो मन से करो। अब मान लीजिए 10 वीडियो बनाकर तो कोई वायरल नहीं हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं ना कि अरे यार 10 वीडियो बना लिया अब इतना मैं वायरल हो जाऊंगा, ऐसे कभी जिंदगी में नहीं होने वाला है। एक कहा सुने ना कि जब बूंद बूंद तालाब भरता है ना तो बहुत समय लगता है उसको, लेकिन जब भर जाता है तो पूरा मजा मिले मजा। तो वही काम करते रहिए, आप ये मत देखिए कि फल मिले ना मिले, बट ये सोचिए कि मैं अपना काम 100% दे रहा हूँ ना। आपको बता दूं कि कभी कभी मेरा पेमेंट भी नहीं आता यूट्यूब से, बट मैं उस पेमेंट के चक्कर में ही रहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे लोग पसंद तो कर रहे हैं। अब जब वीडियो में कमेंट आता है ना तो आग भर जाती है कि यार काम तो मैं कर रहा हूँ बट लोगों को इतना सपोर्ट, इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं कि सनी भाई आपने दिल जीत लिया, आपसे ये उम्मीद नहीं था, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। अगर आपसे डांस हम सीखना चाहें तो सिखाएंगे? हाँ जरूर सिखाएंगे। और जो कोई आपसे सीखने आए चाहे गाजीपुर का आसपास कहीं से भी हो तो उसको सिखाएंगे? हाँ जरूर सिखाएंगे। तो अगर किसी को डांस वांस सीखना है, बहुत अच्छा डांसर हैं और बहुत अच्छे क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं कह सकते हैं, इन्फ्लुएंसर भी कह सकते हैं, बहुत कुछ इनको कह सकते हैं, और अपनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ तरक्की करी है, बहुत लाखों लोगों को। और बात बोलना चाहूंगा, बहुत लोग का क्वेश्चन रहता है भैया आपके वीडियो के माध्यम से, बिल्कुल बिल्कुल बताइए कि किसी भी सेलिब्रिटी के साथ रहकर आप सेलिब्रिटी नहीं बन सकते हो। कभी नहीं, अपनी पहचान अपनी पहचान स्वयं होनी चाहिए। जैसे मेरी पहचान आप आए ना, मुझे बहुत अच्छे से लगा कि आप मेरा नाम जानकर सनी के पास मैं आऊँ। अगर यही मैं किसी के साथ वीडियो बनाता ना तो उनके वजह से मुझे लोग जानते। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, फलाने के साथ ही है, फलाने के साथ सनी रहता है और सनी फेमस हो गया। बिल्कुल बेशक बेशक। बट आज मेरा चाहे 10 फॉलोअर्स है चाहे 5 फॉलोअर्स, मेरा मेहनत है और लोगों का सपोर्ट है। तो जितने भी आप वीडियो देख रहे, ये मत सोचो कि मुझे अगला के साथ जाकर वीडियो बनाना है। आप
ऐसा काम करो कि लोग आए आपके साथ वीडियो बनाने के। बेशक आपके 10 फॉलोअर्स, सोचो कि हमको 10 देख कर आए, बिल्कुल लाख फॉलोअर्स रहने का मतलब भी क्या है कि किसी और की बदौलत। अब ये मेरा खुद का घर है और एक भाड़े के घर में, फर्क नहीं है? बिल्कुल फर्क है, भाड़ा जब तक दूंगा तब तक ही रहूंगा ना बस, और जब भाड़ा नहीं दूंगा घर से काम फेंक देगा तो हम कहाँ रहेंगे? बिल्कुल सड़क पे आ जाएंगे। और दूसरे के भरोसे रहोगे, जब तक वो आपको साथ देगा तब तक ही लोग आपको जानेंगे, जब वो छोड़ेगा तो कहीं की नहीं रहोगे। तो आप अपने पर मेहनत करो, अपनी पहचान खुद बनाओ, अपनी पहचान खुद बनाओ, बस यही कहना चाहूंगा। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा भैया से बात करके, काफी अच्छा, और मुझे भी भैया से बात करके बहुत अच्छा, और ट्रीट बहुत अच्छा करा हमारे, और जितने भी लोग हैं इनके साथ जो भी गर्ल्स हैं और भैया लोग हैं, बहुत अच्छा ट्रीट करा, मोहब्बत से प्यार से बोला, और हमको एक जगह और बताया कि आप वहाँ पर भी जाइए और वीडियो बनाइए, बहुत अच्छा लगा। हमारे गाजीपुर के शान बान है हमारे दिनेश लाल यादव नरेहुआ जी, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार हैं। हाँ, एक बात वो ना, जब दिनेश लाल भैया की बात रही ना, तो आते थे पहले ये रोजा पे चाय पीते लोग, पहले जब वो वायरल हुए थे तो आते थे, जैसे विजय लाल है वो भी आए हमारे घर पे, डांस के गानों में गाते थे लोग, तो सब ये पहले यही रहते थे, लंका रोजा सब बगल में, अब तो वो स्टार बन गए ना। तो भैया का भी सपना कैसी ड्रीम इच्छा, 50 लाख की गाड़ी हो, बढ़िया घर हो, बढ़िया सुशील बीवी मिले, इनका सपना भगवान नहीं, गाड़ी तो गाड़ी घर तो मिल ही जाएगा, बीवी अच्छी मिल जाए मतलब कुल मेरा फोकस बीवी पे ज्यादा है, देख रहे हैं बार बार करे गाड़ी अब घर हो जाएगा बीवी, अरे बीवी भैया सबर करो भाई, बीवी मिली मिली तारा के मिली, तो देख रहे हैं भैया के। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, और आई होप आपको ये इंटरव्यू चाहे ब्लॉग जो समझे आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो सनी भाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पर अगर पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल को आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर, घंटे वाला बटन दबाए ताकि हमारा कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे, और भाई का सपोर्ट करिए। भाई आप अपना इंस्टाग्राम आईडी और यूट्यूब चैनल बता दीजिए। देखिए मेरा इंस्टाग्राम आईडी है डांसर सनी आर है, और यूट्यूब चैनल भी है डांसर सनी आर है, और उस पर अगर आपको प्रोफेशनल डांस भी सीखना तो ये स्टेप करके दिखाते हैं कैसे करके, जैसे भोजपुरी में सीखना या बॉलीवुड सीखना तो ये सब कुछ सिखाता हूँ। और हाँ एक बात, और लोगों को लगता है कि मैं बस भोजपुरी नाचता हूँ, नहीं गलत फहमी है, नाचे ना आवे आंगन टेढ़ा। तो कोई डांसर हो अगर हिंदी गाने पे डांस करेंगे तो भोजपुरी नहीं कर पाएंगे, अब देखे होंगे, और जो भोजपुरी करते हैं हिंदी गाने पे नहीं करते। तो मैं प्रोफेशनल डांसर हूँ, हर एक गाना पे डांस करूंगा, हिंदी भी करूंगा, भोजपुरी भी करूंगा, तमिल तेलुगु सब करूंगा, इसलिए क्योंकि मैं 12 साल इसमें दिया हूँ। तो 12 साल की जो मेहनत है वो अब दिख रही है, लोग समझते हैं अरे 2 महीना साल भर पहले वीडियो बना के, 12 साल की मेहनत है ये, 12 साल की मेहनत। गाजीपुर के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा, बिल्कुल कही जो यहाँ के डांसर डांसरों के लिए खास बात, वो मुझे क्या बोलते हैं ना आपको रियल डील कि तुम्हारा लाइन अलग है और मेरा लाइन अलग है। अरे भाई तुम भी मेहनत कर रहे हो टीवी पर आने के लिए, और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ टीवी के पर, फर्क है कि उनको जो मेहनत ऐसे उनको कोई जानता नहीं, हमको 1000 लोग जानते हैं, बस ये फर्क है, फर्क ही है ना, कि तुम कैमरा के सामने फेस नहीं कर पाओगे, मैं कैमरा के सामने फेस कर पाऊंगा, बंद कमरे में सब नाच लेता है, खुले में नाचने दम होना चाहिए ना, जिगरा तो है कि लोगों के सामने अपना प्रोफेशन दिखाओ। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा, और इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, और प्लीज जितने भी भैया के चैनल को देख रहे हैं लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और इनके इनके लिए थोड़ा सब्सक्राइब भी सब्सक्राइब कर दबा देना, और 25,000 हमारे सब्सक्राइबर जल्दी से 50,000 कराइए, फिर भैया का इंटरव्यू लेंगे आके, और फिर जब भैया गाड़ी घोड़ा जो भी कुछ लेंगे फिर हम आएंगे, भैया को हम बुलाएंगे, फिर बिल्कुल हम आएंगे इनसे मिलने, बहुत से भी मिलाएंगे जब शादी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, किसी और ब्लॉग में, तब तक धन्यवाद।